हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। मैं हूं आपकी फ्रेंड कोमल। आज मैं आप सभी के लिए चिली पनीर रोल की रेसिपी लेके आई हूं, जो खाने में बहुत ही टेस्टी और बच्चों को तो ख़ास तौर से बहुत ही पसंद आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। चिली पनीर रोल के लिए सबसे पहले हमें उसके आटे की तैयारी करनी पड़ेगी। तो उसके लिए हमें चाहिए 2 कप मैदा, उसमें मैंने थोड़ा सा नमक और 2 चम्मच तेल डालकर उसको पानी की सहायता से उसको सान लिया है। जैसे नॉर्मली हम रोटी का आटा सानते हैं, वैसा ही उसे सानना है। देखिए, हमारा आटा सन के रेडी है। अब हम इसे 10 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रख देंगे। जब तक आटा रेडी होता है, तब तक हम इसकी फिलिंग की तैयारी कर लेंगे। उसके लिए हमें चाहिए बारीक लंबे कटे हुए प्याज, जिसे मैंने स्लाइस में कट कर लिया है। 1 शिमला मिर्च, उसे भी मैंने लंबे लंबे स्लाइस में कट कर लिए हैं। थोड़े से कटे हुए पनीर और 1 चम्मच लहसुन का पेस्ट। लहसुन का पेस्ट डाल दीजिए या फिर ग्रेट करके भी आप उसे डाल सकते हैं। सबसे पहले हम कढ़ाई में डालेंगे थोड़ा सा तेल। फिर उसमें लहसुन का तड़का दे देंगे। फिर उसमें स्लाइस किए हुए अनियन डाल देंगे और उसी के साथ में ही थोड़ा हम शिमला मिर्च को भी डाल देंगे। इसे हमें बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना है, बस हल्का सा सॉफ्ट हो जाए तब तक ही कुक करना है। थोड़ा सा नमक डाल देंगे सीजनिंग के लिए। नमक पहले से डालने से ये होता है कि हमारी सब्ज़ियाँ थोड़ा जल्दी कुक हो जाती हैं। फिर डालेंगे 1 चम्मच सोया सॉस, 1 चम्मच टोमेटो सॉस। फिर इसे थोड़ा सा अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और फिर पनीर के क्यूब्स डाल देंगे, उसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब ये रेडी है। तो चलिए, आटा भी अब सेट हो गया है, तो हम उसकी लोइयां बना लेते हैं। इसकी एक ऐसी लोई लेंगे और इसका नॉर्मल जैसे रोटियां बनाते हैं, चपाती बनाते हैं, वैसे ही थोड़ा बड़े साइज़ का पराठा इसका बना के रेडी कर लेंगे। फिर इसे तवे पे डालकर सेक लेंगे दोनों तरफ से। आप मक्खन या घी किसी भी चीज़ से अच्छे से सेक सकते हैं। इन्हें हमें इतना सेकना है कि अच्छे से दबा दबा के इसका कच्चापन दूर हो जाए। ये देखिए, पराठा अच्छे से सेक गया है। अब हम इसे निकाल लेंगे। हम इसके ऊपर डालेंगे 1 चम्मच मेयो। अगर आपके पास मेयो ना हो तो आप मक्खन का भी यूज़ कर सकते हैं। और 1 बड़ा चम्मच टोमेटो सॉस। इन दोनों को अच्छे से मिक्स करके अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे पराठे के ऊपर। अब हम इसके ऊपर जो चिली पनीर बनाया है उसकी स्टफिंग को रखेंगे। इन्हें लंबाई में ऐसे हमें रोल करना है, तो उसी अकॉर्डिंग हमें रखना है। फिर हम इसे साइड से करके ऐसे रोल कर लेंगे। इसे मैंने टूथपिक से सिक्योर कर दिया है, जैसे कि ये खुले ना। तो देखिए, हमारा चिली पनीर बनके रेडी है। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। बाय, टेक केयर।